वेलकम वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके साथ आज शो कर रही हूँ सिंपल काबली पुलाव कैसे बनाया जाता है और बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये देखें, बिल्कुल सिंपल और इजी वे से मैंने ये काबली पुलाव बनाया है, जिसमें थोड़ा सा कैरेट और रेजन भी डाली है। ये देखिए, ये बन के तैयार हो गया। चलें हम शेयर करती हूँ रेसिपी। सबसे पहले ये एक पतीली में मैंने 4 चम्मच ऑयल डाला, उसमें बॉयल चने डाले, 1 से 2 मिनट इसको भूनूंगी और इनके बीच मसाला डाल दूंगी, यानी कि नमक, ज़ीरा, लौंग, दालचीनी, इन सारी चीज़ों का पाउडर बना लेंगे। दालचीनी पूरी रख दी है मैंने, बाकी चीज़ों को ये मैंने कूट के पाउडर बना लिया है, इसमें डाल के अभी इसको भूनेंगे तकरीबन 2 से 4 मिनट। जैसे ये हल्का सा भुनने हो जाए फिर इसमें डालेंगे गोश्त। गोश्त को मैंने पहले ही थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी और ब्लैक पेपर डाल के बॉईल कर लिया। ये बॉईल वाला गोश्त है, अब इसको इसमें डाल देंगे। डाल के तकरीबन 5 मिनट भूनूंगी। 5 मिनट भूनने के बाद जो ये यखनी है, जो गोश्त को हमने बॉईल किया उसमें से ये जो यखनी निकली है, इसको इसमें डाल देंगे। पर मैं इसको छान के डालूंगी, आप अपनी मर्ज़ी से डाल दें। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाला था तो उसको निकालने के लिए आप देख सकते हैं कितना गला हुआ गोश्त है। ये तकरीबन 70% से 80% तक कुक है। ये देखें, थोड़ा सा तकरीबन आप जो चावल को दम लगेगा, जो फ़र्क है वो इसमें हो जाएगा। अच्छे से गोल गोश्त गला हुआ है, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये इसने सारी यखनी भी डाल दी है, अब ये बॉईल हो रहा है। इसके भाप की वजह से ना अच्छे से दिख नहीं रहा है, ये ऊपर इसका स्मोक लग रहा है। इसमें चावल डालने लगी हूँ, चावल भी डाल दिए। अब 2 से 3 मिनट इसको 1-2 दफ़ा हिलाएंगे, बहुत चम्मच नहीं चलाएंगे, उससे चावल टूट जाते हैं। ये देखें जी, अच्छे से चम्मच चला दिया, 1 दफ़ा फिर चला लूँगी। इसके बाद इसको दम के लिए रख देंगे। ये देखें, पानी तो तकरीबन सारा सूख चुका है। मैंने पतीली के नीचे तवा रख दिया है, क्योंकि जो तवा गर्म होगा ना उस पे जो इस पे दम लगेगा वो बहुत आस्ता और अच्छा लगेगा। ये देखें, पानी सूख गया। अब थोड़ी सी यहाँ पे मेरे पास कैरेट है और थोड़ी सी मेरे पास ब्लैक रेजन है, वो डाल देंगे और
अच्छे से इसको दम के लिए रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट। अगर आपको जल्दी है तो आप 10 से 12 मिनट भी रख सकते हैं। तो ये देखें जी, ये हो गया। अब इसको दम लगाते हैं। ये लें जी, हमारा काबुली पुलाव बनके तैयार हो गया। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। I am so